नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। क्रिकेट को अगर दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल कहा जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ, इसकी दीवानगी लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई है, इसलिए आईपीएल को आज दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग माना जाता है, जिसमें खिलाड़ियों को सैलरी के तौर पर साल में 950 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। अब टीमें सीजन के हिसाब से खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाती है। अब बात करें वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये बीसीसीआई द्वारा दी जाने वाली वार्षिक राशि से कहीं अधिक है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। आज देखा जाए तो ये बीसीसीआई द्वारा आयोजित दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग क्रिकेट है, जिसके पहले सीजन में 8 टीमों ने भाग लिया था और अब दुनिया भर के 200 से ज़्यादा खिलाड़ी 10 टीमों में खेल रहे हैं। आईपीएल के फ्रेंचाइजी की बात करें तो ये भारत ही नहीं बल्कि यूएई, अमेरिका, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज में भी टी20 लीग में अपनी टीमें उतार रही है। आईपीएल की शीर्ष टीमों के मालिक इंग्लैंड के 6 खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ने और साल भर टी20 लीग खेलने के लिए 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। टाइम्स लंदन की रिपोर्ट्स के अनुसार इसका खुलासा किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों के साथ साल भर का कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इसके तहत खिलाड़ियों को पूरे साल अलग अलग टी20 लीग खेलने होंगे, जिसमें आईपीएल के अलावा वेस्टइंडीज की सीपीएल, दक्षिण अफ्रीका की एसए टी20 लीग, यूएई की ग्लोबल टी20 लीग और अमेरिका में होने वाली टी20 लीग भी शामिल है। इन सभी लीगों में आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजियों में से कई टीमें शामिल हैं। हालांकि रिपोर्ट्स में इसका पता नहीं चल पाया है कि फ्रेंचाइजी के किन खिलाड़ियों के साथ संपर्क किया गया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अगर कोई खिलाड़ी इस कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार करता है तो आईपीएल फ्रेंचाइजी के प्रति उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पहले होगी। अपने देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए उस खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी से अनुमति लेनी होगी। फिलहाल तो ऐसा सिर्फ फुटबॉल में ही देखा जाता है। वही क्रिकेट में हर देश के खिलाड़ी अपने देश के क्रिकेट बोर्ड के अनुसार खेलते हैं और टी20 लीग में भाग लेने के लिए बोर्ड से अनुमति लेते हैं। इंग्लैंड के लिए टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी फिलहाल किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी का ऑफर स्वीकार करने के मूड में नहीं है, लेकिन इन खिलाड़ियों को आईपीएल फ्रेंचाइजी की बड़ी रकम ऑफर हुई है। ऐसे में खिलाड़ियों के ऑफर स्वीकार करने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा खिलाड़ी अपने देश के क्रिकेट बोर्ड आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ आंशिक अनुबंध कर सकते हैं। आपको बता दें, न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट और गुप्टिल जैसे खिलाड़ी टी20 लीग में खेलने के लिए अपने क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ चुके हैं। ऐसे में टी20 क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों के ऐसे अनुबंध स्वीकार करने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि इसकी ये भी संभावना है कि कई युवा खिलाड़ी समय से पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लें और पैसा कमाने के लिए टी20 लीग खेलें।